जिले में लगातार एक भ्रांति चल रही थी कि एक ऑक्सीजन प्लांट दमोह से चला गया है, अब केवल एक ही ऑक्सीजन प्लांट दमोह में बनाया जाना है। हालांकि कलेक्टर के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार दमोह में दो ही ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाने हैं, दोनों की स्वीकृति है और दो ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। दमोह में दो ऑक्सीजन प्लांट बनने हैं, इसको लेकर के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने जानकारी दी। दो अपने यहाँ पे ऑलरेडी बनने के लिए स्वीकृत हुए हैं, वो दो ऑलरेडी बन रहे हैं, जो हम लोगों के यहाँ पे एमपीआरडीसी से एक बन रही है और दूसरा जो है प्लान में है बीपीसीएल का, वो भी बन रहा है। सर डीआरडीओ द्वारा भी चयन हुआ है? ठीक है, वो स्पेसिफिक कहीं पर हम लोगों को नहीं मिला है कितना उनका होना है, बट आज के डेट में हम लोगों की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो हम लोगों को बनना है ऑक्सीजन प्लांट वो बन रहे हैं।